अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हो सोहेल टाइनी डोम चैनल। सो गाइस, आई एम हाजिर है दरगाह टुडे महालक्ष्मी। एनीवे, आज मैं आपको दिखाना पूरा दरगाह को। आज बहुत दरगाह बहुत ज़्यादा रश है, आज बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो बने रहे वीडियो एंड तक, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो। सो गाइस, ये आप देख सकते हो महालक्ष्मी स्टेशन। यहाँ से ठीक बाहर जाना है आपको, अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो। अगर जैसे आप लोग बाहर से आते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है लोगों को, इसके लिए ये देखिए महालक्ष्मी स्टेशन से बाहर जो रेस कोर्स है घोड़े का रेस होता है यहाँ पे। इसके बाद आपको टैक्सी लेना है या फिर बस में भी जा सकते हो, या टैक्सी से लग जा सकते हो या चल के भी जा सकते हो। जब आपको सीधे सीधे जाना है, यहाँ पे सात रास्ता आ गया है। तो ये जो रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारा रश होता है, तो अंदर से आपको ब्रिज है, वो ब्रिज के अंदर से आपको जाना पड़ेगा सब देख अंदर से। नहीं तो आप यहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत कार्स आते हैं, बहुत गाड़ियाँ आते हैं। तो ये देखिए रोड मैं क्रॉस कर लियो। अभी क्रॉस करने के बाद जो है यहाँ पे एंट्री होता है यहाँ से ही। तो यहाँ से जो रश दिख रहे हो अपना, यहाँ पे सब लोग दरगाह जाएंगे। अभी ये जो रास्ता भी पकड़ लिया, अभी इस रास्ते से आपको जाते रहने का सीधा सीधी। तो लेफ्ट साइड में आपको जाने में, लेफ्ट साइड में बहुत सारा दुकानें मिलेगा। यहाँ से आपको अगर चादर वगैरह कुछ लेना रहेगा आप, तो फिर यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको नहीं लेना यहाँ से तो फिर आगे जाके भी ले सकते हो। तो अभी जो है रास्ता को मॉडिफाई कर रहा है, ऊपर से ब्रिज जा रहा है, इसके लिए सब अभी दिख रहे हो ना, ये जो राइट साइड में यहाँ पे ब्रिज बनाने वाले हैं, तो बन रहा है भी, जो काम चालू है। तो ये जो है यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल है हाई टाइट नहीं है, इसके लिए पानी नहीं है। जैसे अभी लो टाइट है, इसके लिए पानी चला गया। जब हाई टाइट रहता है तब जो है रोड देख रहे हो, पब्लिक जा रहा है, ये सब भरा हुआ भर जाता है, तो पब्लिक को चलने के लिए प्रॉब्लम होता है। जो सामने का दिख रहा है वही दरगाह है, तो अभी वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। तो पहले लेफ्ट साइड में देखिए कि बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे लोग थोड़ा घूमने के लिए भी आते हैं और दरगाह में भी आते हैं लोग मन्नत करने के लिए, या ये जो हाजी अली बाबा है इनसे मिलने के लिए इनके मज़ार में आता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुका है गेट पर, अभी अंदर जाने वाला है ये। चलिए अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा दरगाह को, लेकिन पहले आपको राइट लेफ्ट में जो भी फैसिलिटी है आपको मैं दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो अभी, ये जो है ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पे जितने गेस्ट आते हैं यहाँ पे दरगाह में, सब यहाँ पे जाते हैं अंदर, जाकर आराम करते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जो भी करना है, खाना पीना सब कुछ है। यहाँ पे वॉशरूम है, तो फिर आप खाना पीना तो एक्चुअली फ्री नहीं है, खाना पीना आपको खुद को लाना पड़ेगा घर से, या फिर आप खरीद करके यहाँ पे खा सकते हो। तो यहाँ पे आके आपको बैठ के आराम से आप फैमिली के साथ में बैठ सकते हो, खा सकते हो, जो करना कर सकते हो। जो फर्स्ट फ्लोर से जो नज़ारा है दिखा रहा हूँ मैं, फिर सेकंड फ्लोर से भी आपको दिखाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। सामने का जो समंदर है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो चलिए अभी सेकंड फ्लोर में चलते हैं। ये सेकंड फ्लोर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है समंदर। तो चलिए अभी आ गया सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में लोग थोड़ा कम है, क्योंकि जब आते हैं लोग पहले ही ग्राउंड में बैठ जाते हैं, फिर सेकंड में, फर्स्ट में बैठ जाते हैं, अभी सेकंड में आ जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा रश कम रहता है। मगर जैसे 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 टाइम होते रहते हैं, दोपहर अगर होते हैं तो शाम तक तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाता है यहाँ पे। अभी दोपहर का टाइम है, जहर का टाइम है अभी, फिर भी बहुत सारा रश है। ये देखिए जो है समंदर में लोग कितने लोग मज़ा कर रहे, कितना इंजॉय कर रहे लोग। यहाँ पे अंदर गया हुआ है लोग पानी में, कुछ लोग नहा रहा है, कुछ लोग बैठा हुआ है, कुछ पानी को हाथ पकड़ के खेल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा लोग हैं, गया आप देख सकते हो हज़ारों में लोग हैं। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे जैसे अभी हाइटेड होने लगेगा तो पानी ऊपर आते रहेगा और पब्लिक भी बाहर आते रहेगा। तो जब शाम का टाइम होता है, जैसे अभी ये देखिए ये जो है ये एक्चुअली मैं सेकंड फ्लोर से ऊपर का से ले रहा हूँ ये वीडियो। तो ये जो है ये सामने दिख रहा है गेट है, गेट का वहाँ से आप हम लोग आया है अभी। तो अभी ये जो है दरगाह के ऊपर है हम लोग, ये नीचे पब्लिक जो है ये सब अंदर एंट्री करे, एंट्री करने के बाद अंदर आया है। तो अभी आपको धीरे धीरे मैं दिखाता हूँ। अभी ये जो है एक्चुअली नीचे से मैं वो राइट साइड से दरगाह का राइट साइड से मैं दिखा रहा हूँ, जो आते वक्त जो ब्रिज बना रहा था मैं आपको बताया था, वो ब्रिज है यहाँ पे, ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, बोरीवली साइड ब्रिज जाने वाला है। बहुत काफ़ी अच्छा सिटी बनेगा अभी और मुंबई सिटी। और ये जो है कुछ ब्रिज का जो डिज़ाइन है ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे, कुछ ब्रिज तैयार भी हो गया, अभी आगे बढ़ते रहेगा ब्रिज, तो फिर और फिर बाद में यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, और पब्लिक के लिए भी चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पब्लिक के ट्रैवलिंग्स के लिए भी अच्छा रहेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे टैक्सी आ जाएगा या फिर नरीमन पॉइंट से लेके बोरीवली तक। तो अभी देखिए ये जो है ये राइट साइड में जो है ये एकदम दरगाह का पास में नीचे ही है, पब्लिक बैठा हुआ है नीचे समंदर में। अभी ये देखिए यहाँ पे भी नहा रहे लोग, मज़ा कर रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। करने के बाद एक्चुअली दरगाह में आता है लोग थोड़ा मिलने के लिए इनसे, जो आपको मज़ार में आते हैं आके, जो भी मनना है वो मन्नत करता है और जो भी दुआ मांगना मांगते हैं। और ये जो है पब्लिक वज़ू कर रहा है, वज़ू करने के बाद यहाँ पे मस्जिद है, ये देखिए ये मस्जिद है, मस्जिद में यहाँ पे आप नमाज भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा मस्जिद है, बहुत बड़े मस्जिद है यहाँ पे।
तो ये देखिए अभी मस्जिद के अंदर भी थोड़ा दिखा था आपको, ये देखिए मस्जिद है। और फिर अभी देखा था मैं थोड़ा आपको कवाली चल रहा है, कवाली के बाद दरगाह दिखाता हूँ। ये जो है अभी आपको यहाँ पे एक दरगाह के अंदर ही है, एक ही दुकान है जहाँ पे आपको खाना पीने का चीज़ें मिलेगा। आप यहाँ पे आपको अगर जैसे जो लोगों ने न्याज अगर नहीं लाया है और अगर यहाँ से लेना चाहते हो तो ये दुकान में मिलते हैं। देखिए यहाँ से आप ले सकते हो जो भी आपको चाहिए, चादर वगैरह जो भी, स्वीट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए रहता है यहाँ पे आपको, ये एक ही दुकान है। और यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है ये बिल्कुल मुफ्त है। और अब चलिए दरगाह की तरफ चलते हैं, आपको मैं फाइनल दरगाह दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो आप सैंडल चप्पल जूता रख सकते हो तो कुछ चार्जेस करेगा। ये देखिए लोग खड़े हो गए यहाँ पे मज़ार के सामने, यहाँ पे जो लोगों को मांगना रहता है वो मांग रहा है और जिनको जो मन्नत है वो पूरा कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में है औरतों के लिए है, लेडीज़ के लिए है। और यहाँ से राइट साइड में जो है वो जेंट्स के लिए, यहाँ से लेके पूरा राइट की तरफ जो है वो जेंट्स के लिए है। और यहाँ से लेफ्ट साइड में जो थोड़ा जगह है वो जो है लेडीज़ लोगों के लिए है। एक्चुअली लेडीज़ को तो ज़्यादा आना ज़रूरत नहीं है, दरगाह में आना मना है, फिर भी लोग आते हैं। फिर भी उन लोगों ने कुछ प्लेस कर दिया लेडीज़ के लिए। अभी ये देखिए ये जो है दरगाह है, ये देखिए लेफ्ट साइड में जो है ये लेडीज़ है, ठीक है। तो फिर ये जो है राइट साइड में है, राइट साइड में जो लोगों का धागा वगैरह बनना रहता है बनना है। अभी मैं यहाँ से अच्छा से दिखा रहा हूँ आपको दरगाह को, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कुछ मन्नत करने तो आप फोटो में भी कर सकते हो, वीडियो में भी कर सकते हो। ये देखिए ये बहुत अच्छे से दिख रहा है नज़ारा यहाँ पे, ये दरगाह का, ये मज़ार का, ये हाजी अली बाबा है यहाँ पे। सो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।